तो सर, जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज से उनका कहना है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी में जो है बेसिक फैसिलिटीज जो है इनके लिए भी लोगों स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी जो बेसिक फैसिलिटीज जो है वो इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, क्या कुछ कहेंगे सर? जुले एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को जो जिनका अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं इस मंथ से, तो सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि अपनी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और यूनिवर्सिटी का जो नाम है रोशन करें। तो दूसरी जो बात आपने क्वेश्चन पूछा कि बेसिक फैसिलिटीज के बारे में, स्टूडेंट्स की जब भी कोई रिप्रेजेंटेशन आती है तो यूनिवर्सिटी में एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हमारे पास DSW है, डॉक्टर जिगमित जो रेचन, वो डे टू डे इंटरेक्शन के साथ करके जो भी उनके इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करते हैं। दूसरा, हमने एक 4 मेंबर कमेटी बनाई हुई है जो एवरी वीक वो यूनिवर्सिटी में बच्चों की जो भी इश्यूज हैं उनसे डिस्कस करते हैं। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी नई है और जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो भी चल रहा है, और क्योंकि जब से यूनिवर्सिटी बनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लिमिटेड था, तो हम जितनी हमसे कोशिश हो रही है फास्ट तरीके से यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसमें जैसे कि इनके ये 2-3 दिन पहले मेरे पास प्रेसिडेंट आए थे, तो मैंने इनको यही सजेस्ट किया था कि आपके अगर कोई बहुत इश्यूज हैं तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें पॉइंट वाइज लिस्ट बन जाए, तो हम नेक्स्ट वीक बैठ के, ये 4 मेंबर कमेटी है जो, और आई विल ऑल्सो ज्वाइन, तो उसमें एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि पानी की एक प्रॉब्लम, ये बार बार कहते हैं, तो पानी का इशू तो आपको पता है विंटर में सब फ्रीज हो जाता है, तो अभी पानी शुरू हो गया, तो उसमें थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ कि डिले नहीं कहूंगा कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, कोई पाइप फट गया है, कोई चेंज कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमारे इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष जी, वो रात दिन लगे हुए हैं, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं जो इनकी, और जो उन्होंने मुझे जो 2 दिन पहले बताया कि कोई इश्यू है कि जो ड्राई टॉयलेट्स है उसमें मिट्टी डालनी है, तो ये तो माइनर इश्यूज है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और भी जो लोग हैं वहां पर, तो ये चीजें तो मैंने कहा आप उनसे आप इंटरेक्शन करके, तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्लोली स्लोली बढ़ रहा है कैंपस में, तो जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी फास्ट ट्रैक पे प्रोग्रेस कर रही है, हमें इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जो नेशनल एजेंसी से, तो बट उसको सेटअप करने में आपको पता है थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ कंडीशन ऐसी है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, हमारे इक्विपमेंट नहीं आते, तो अभी हमारे पास 7 करोड़ के नए इक्विपमेंट आए हैं, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज बना दी, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसमें स्टूडेंट्स के लिए ही है, एंटरप्रेन्योर सेल है, स्किल डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमी कनेक्टर टेक्नोलॉजी है, इन सब पे फास्ट तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप शायद रह गया, तो इसीलिए मैंने ये कमेटी बनाई थी जो हर हफ्ते इनसे डिस्कशन करे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए MOU साइन जब हम करते हैं तो इसी टारगेट से करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे, तो जो हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि जो विंटर सेशन होता है, विंटर टाइम होता है जबकि टीचिंग बंद हो जाती है, तो उस विंटर टाइम में हम बच्चों को भेजना चाहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो अभी लास्ट दिसंबर से फरवरी के बीच में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में हमारे फॉरेंसिक साइंस के और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स वहाँ विजिट किया था उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा उनका रहा, 2-2.5 महीने इंटर्नशिप की उन्होंने, एक्सपोजर मिला, उसका पूरा पूरा वीडियो है मीडिया में, आप देख के हैरान हो जाएंगे, इनका विजन भी चेंज हो गया। इसी तरह हमने NGRI हैदराबाद, ARIC हैदराबाद, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, IIT, तीनों इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे जियोलॉजी के स्टूडेंट्स और कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स और कुछ साइंसेस के ही मिल ही जाते हैं, तो उनके लिए इतना अच्छा एक्सपोजर रहा, वो भी 2 महीने, 1.5 से 2 महीना वो वहाँ पर उन्होंने एक्सपोजर अपना लिया। तो मैं तो हर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे प्री प्लान करके ही आप बताइए किस इंस्टीट्यूट में आपने जाना है, हमने जिनसे एग्रीमेंट किए हैं उनके पास जाया जाए, हमारे बच्चे जाएं, क्योंकि विंटर टाइम में हमारे पास टाइम होता है ना, उस टाइम इतनी यहाँ पर सर्दी होती है,
उस एंगल से मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप बताइए कहाँ जाना चाहते हैं। तो सर अभी स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी एग्जाम भी आने वाले हैं और स्टडी रूम का भी फैसिलिटीज नहीं है और गर्ल्स हॉस्टल में चेयर और स्टडी टेबल दोनों नहीं है, तो इसमें नहीं थोड़ा सा मुझे लगता है या तो कम्युनिकेशन गैप है। मैंने अभी DSW से बात की, वो कहते हैं जो हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल में 50 चेयर टेबल्स उन्होंने पहले ही प्रोवाइड की हुई है, तो अगर दो तीन रूम में नहीं होंगी तो मुझे पता नहीं है, बट वो कहते हैं 45 हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में हैं। तो ये गैप क्यों है मुझे, अब एक बार फिर बात करूंगा प्रेसिडेंट से। सर जिस तरह से जो MI रूम है वहाँ पे पिछले 2 सालों से दवाइयों की कमी है, तो इसमें एक फर्स्ट एड की एक फैसिलिटीज के लिए 2 सालों से दवाई नहीं। सुने ऐसा नहीं है, आप डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, जो हमने डॉक्टर हमारे पास है तो जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है सारी दवाइयाँ टाइम पे आती है। अभी भी रिसेंटली सैंक्शन हुई है, कोई 2 लाख की दवाइयाँ हम खरीदी है, तो वो पर वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि दवाई आने में कई बार डिले हो जाता है, अब उसमें थोड़ा सा आप यहाँ की कंडीशंस का कंट्रीब्यूशन हो जाती है, उसमें क्या किया जाए। तो जैसे एम्बुलेंस भी हमने अरेंज कर ली, तो जितनी भी फैसिलिटीज कोशिश करते हैं कि टाइमली हो जाए, पर वही बात आ जाती है कि जो कंडीशंस है तो कई बार उसमें डिले हो जाता है, उसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है। स्टूडेंट का कहना है कि फंडिंग की कमी है बहुत ही यूनिवर्सिटी, हालांकि हमारे यहाँ पे जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सब कहते हैं कि लद्दाख में फंड की कमी नहीं है। तो क्या कुछ कमी रहा होगा सर, एक एक्सपोजर टूर अभी तक नहीं करता। नहीं, कहाँ नहीं गया, मुझे वही समझ नहीं आ रही के कैसे वो कह रहे हैं कि मैंने बताया आपको एग्जाम्पल दिया, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं वो जाते हैं। अब जैसे लोकल लद्दाख में हर डिपार्टमेंट के टूर्स गए हैं, तो आपको मैं लिस्ट भी भेज सकता हूँ, एवरी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जा रहे हैं लोकल। अब एक्सपोजर टू जो ये इसकी अगर आप बात कर रहे हो कि आउट ऑफ लद्दाख, उसके लिए मैंने एग्जांपल बताया कि हमने टारगेट किया हुआ है कि विंटर सेशन में जब यहाँ टीचिंग नहीं होती तो तभी जाया जाए, ताकि टीचिंग का भी लॉस ना हो और उनको एक एक्सपोजर भी मिले। दोनों चीजें हो जाती है, एक एक्सपोजर भी है और जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां का फैसिलिटीज का पता लगेगा, कैसे रिसर्च होती है, कैसे टीचिंग होती है, ये हमारा टारगेट है। और मैं आपको सच में बताऊं कि मुझे हर इंस्टीट्यूट कहता है कि आप अपने बच्चों को भेजिए, और बच्चे तैयार होने चाहिए जाने के लिए, है ना। तो हम तो उनको इनकरेज करते रहते हैं बट कंपेयर तो नहीं कर सकते। अगर बने तैयार भी था सर, कोई पॉलिटेक्निक कोई इंटरनेशनल शायद यूनिवर्सिटी का बाहर, तो स्पेसिफाइड होता है जिन जिन चीजों के लिए हमने उसको यूज करना है, तो इसका प्रोविजन नहीं होता। तो मैंने तो इनको कहा था कि आप हेल्थ काउंसिल से और अदर जगह से आप अप्रोच करके वहां से, क्योंकि पहले भी दिया गया, हमारे एक बच्चा गया था तो उसको हिल काउंसिल से हमें हेल्प मिल गई थी। तो अभी जो इवन फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी में भी गए बच्चे, उनको भी पार्शली हिल काउंसिल ने हमें स्पॉन्सर किया। तो अगर आई थिंक वे नो तो क्यों नहीं, हर रास्ता निकल सकता है। और हम तो बच्चों के लिए ही यूनिवर्सिटी है, बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए ही रात दिन हम लगे हुए हैं। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जितनी भी कॉन्टेक्ट होता है फैसिलिटीज हो सकती हैं, इतने लोग आ रहे हैं, we want to do common research with our faculty and students, तो इस तरह का हमारी तरफ से तो मुझे लगता है कोई कमी नहीं है। अगर कोई गैप रह गया तो वी आर हियर ऑलवेज, मैं तो कहता हूँ जब भी आइए मेरे से डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व। क्योंकि इनका कहना बहुत सारे एप्लीकेशन HOD के उसमें घुमाते रहते हैं, HOD बोलता आप इधर जाओ, वो बोलता है कि वाइस चांसलर के पास जाओ, फिर वो वाइस चांसलर फिर वहाँ। देखिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 4-member कमेटी बनाई थी जो हर हफ्ते इनसे मिलती है, अगर वहां भी ये सेटिस्फाइड नहीं है तो आई एम हियर, मैं मेरे पास जब भी आए। मैंने 2 दिन पहले भी प्रेसिडेंट को कहा कि आप पूरी लिस्ट बना के लाइए और मैं ये 4-member कमेटी और मैं भी ज्वाइन करूंगा, एक एक पॉइंट को हम डील करके सॉल्व करेंगे। उसमें यूनिवर्सिटी किस लिए है, मैं बार बार यही कहूंगा स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों का ये भी कहना है कि वो जो आज जो है दिन भर यहाँ पे रहेंगे
तो आपने कोशिश नहीं की थी? मैंने कोशिश की, मैं आते ही मैंने अपने डीएसडब्ल्यू को कहा उनको हॉल में बिठाएं, वहां पर मैं भी आता हूँ और वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे। तो पहला स्टेप भी मैंने सुबह आते ही जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैंने, आप देखिएगा हॉल हमारा बिल्कुल रेडी है, और इनको रिक्वेस्ट भी की आप हॉल में बैठिए, बाहर क्यों उसमें बैठना है। बट वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट आएगा जो डायरेक्शन देगा हम वही करेंगे, तो उसमें फिर थोड़ा कंट्रोल तो नहीं कर सकते। आने वाले इस सीजन में क्या सर इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वैसे फैसिलिटीज है, उसका कोई इक्विपमेंट नहीं है, बोलता है भरा पड़ा है सर, दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। स्पोर्ट्स की इतने इक्विपमेंट है, आप विजिट करिए, आप यूनिवर्सिटी विजिट करिए, डीएसडब्ल्यू से बात कीजिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने इक्विपमेंट दिए हैं इनके लिए। इन्होंने कहा भी क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, वो भी हमने बनवा दिया, इट्स फंक्शनल आल्सो, जो पूरा वो हमें पक्का करवा रहे हैं उसको, जो इनका प्ले ग्राउंड है एक में पक्का नहीं है दूसरा पक्का करवा रहे हैं, उसमें भी पैसा इतना खर्च हो रहा है, आपको पता है इतनी फंडिंग भी नहीं होती, बट हम कोशिश करते हैं कि जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जाए। तो ये थोड़ा सा ओवर एग्रीगेट कर देते हैं ये, बट ऐसा नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप एक दिन कैंपस आइए, आप एक एक चीज देखिए, अपने आप असेस कीजिए कि कैसे फैसिलिटीज जनरेट हुई हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, हमने जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी डेवलप की है बच्चों के लिए की है, इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में नहीं होती। हमारी तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल बेबी यूनिवर्सिटी है ना, तो मैं क्योंकि फंडिंग सेंटर से काफी सारी ले आता हूँ प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उससे क्या है कि हमने वो तैयार किया है और जो भी आता है यहाँ बाहर से वो देख के हैरान हो जाता है कि इस रीजन में इतने हाई आल्टीट्यूड पे ऐसी फैसिलिटीज जनरेट करना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो यूनिवर्सिटी में रात भी लगे हुए हैं इसकी प्रोग्रेस के लिए, पर ये है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है ना, बिल्डिंग्स लिमिटेड है, बिल्डिंग बन रही है, आपको पता है यहाँ कंस्ट्रक्शन का टाइम लगता है और 2-3 साल से पहले बनने का कोई चांस नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, कुछ प्री फैब स्ट्रक्चर्स खड़ी कर रहे हैं ताकि वो कमी ना हो, क्लासरूम की कमी ना हो, लैब्स की कमी ना हो, तो वो उसमें हमें फास्ट ट्रैक पे हम काम चल रहा है। आप कैंपस आइए प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू विजिट। सर जो प्रीपेयर और एमपेड के कोर्सेज है, हाँ जी, उन बच्चों का क्या होगा सर, शायद उनका कोर्स भी शायद बंद हो रहा है। सर लास्ट वीक मैं दिल्ली गया था स्पेशली इसी पर्पज के लिए, और मैं जो सेक्रेटरी है मैडम शेरपा एंड जो ज्वाइंट डायरेक्टर है नवीन मलिक, उनसे मेरी बहुत डिस्कशन हुई और उन्होंने हमारे से सारा डाटा पहले ही मांगा हुआ था, तो उन्होंने पूरा रिकमेंड करके ये मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि अब जैसे इलेक्शन है, आपको मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्ट्री में फिर जाएगा, फिर जो भी नए मिनिस्टर आएंगे उनको भी हम अप्रोच करेंगे। इसमें हमारे ऑनरेबल एलजी ने हमें बहुत हेल्प की, एलजी साहब ने खुद मिनिस्टर से बात की, उन्हें एक लेटर गया वहां पर, और फिर उसके बाद जो हमारी मैडम है पद्मा से कमीशन सेक्रेटरी, उन्होंने वहां के सेक्रेटरी से बात की और बाकी लोगों से बात की, फिर स्पेशली मैं गया लास्ट वीक ही, मैं हो क्या हूँ, और मैंने वन टू वन बात की। मेरे साथ डीन एकेडमी के फेमस सोनम चंदन थे, रेक्टर जो कारगिल कैंपस से मैडम है वो भी थे, हम तीन लोग गए थे। तो हमने बड़ा, उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ना होने का, और बाई नेम इनकी लिस्ट गई है ना, जो अप्रूवल हमें मिलेगी वो बाई नेम मिलेगी इनके लिए जो जो पास आउट होंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अब वो थोड़ा चेंज हो रहा है कि 4 ईयर बी एड का शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी हमने अप्रूवल के लिए हमने डाल दी एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन की डेट यही 12 तारीख की थी, तो हमने वो भी रिक्वेस्ट डाल दी है। हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है क्योंकि अभी नैक नहीं है, अभी जो भी स्टैंडिंग स्टैंडर्ड की जो अप्रूवल्स होती हैं वो हमारे पास नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम समझते हैं कि लद्दाख एरिया क्योंकि डिफरेंट एरिया है बाकी जगह से, तो उसके लिए हम स्पेशल कंसिडरेशन करेंगे। तो वो हमने एप्लीकेशन पूरी सबमिट कर दी है एंड होपफुली हमें वो अप्रूवल मिल गई, तो 4 ईयर का बीएड यहाँ पर शुरू हो जाएगा, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि जो 2 ईयर का बीएड है अभी उन्होंने सबको बंद कर दिया है ना, अभी जो चल रहा है वो चलता रहेगा,
और न्यू एडमिशंस का उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप ना कीजिए, क्योंकि वो आगे से अप्रूवल नहीं मिलनी है ना, तो बट दे आर फोकसिंग ऑन फोर ईयर दोनों केसेस में, बीपीएड का भी और बीएड का भी। सर तो बच्चों का एक इशू ये है कि जो है बस का बहुत बड़ा इशू है। सिर्फ हमारे पास दो बसेस हैं, तीसरी हमने एक हायर की हुई है, उसका खर्चा भी बहुत होता है क्योंकि जो हमने यहाँ से ली है बस किराए पे, तो तीन बसें हैं, तीन बसों में तो हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें पहले ही मतलब कोई ना कोई चढ़ के होता है नहीं नहीं आउटसाइड तो कोई चढ़ ही नहीं सकता है, ये चेक कर लेते हैं ऐसा, ये तो मुझे आज पहली बार आप बता रहे हैं, अदरवाइज ऐसा मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि हमने तो स्ट्रिक्टली फॉर स्टूडेंट्स के लिए ही रखी, या जो फैकल्टी है कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं कुछ बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही रखा हुआ है, तो अगर कोई ऐसा इशू है तो हमने ये भी प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट सेशन से हम कार्ड इशू कर देंगे, है ना, जिसके पास कार्ड होगा वही बस में भी जा सकता है और वो कार्ड हर चीज के लिए एप्लीकेबल होगा, लाइब्रेरी के लिए भी अदर चीजों के लिए भी, तो जैसे कि आजकल चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, तो हम भी फास्ट ट्रैक पे डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हमने एग्जामिनेशन सिस्टम सारा डिजिटलाइजेशन किया हुआ है, ई समर्थ एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे हम काम चल रहा है तुम्हारा, तो मैं ये आप लोग एश्योर करता हूँ सबको जो भी हमारे मीडिया में मीडिया के लोग हैं या बाकी जो दो लोग देखेंगे इसको, तो हम तो डे एंड नाइट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर स्टूडेंट्स बहुत काम कर रहे हैं, तो अब कई चीज़ें बिकॉज ऑफ कंडीशंस ऐसे हो जाती हैं डिले हो जाता है, पर जैसे ही हमें कोई ऐसी चीज़ पता लगती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन होता है, एंड हमारे जितने भी हमारे साथी हैं जो फैकल्टी के और बाकी सब पॉजिटिव हैं, सब हेल्प करना चाहते हैं, तो ऐसा हमारे DSW खासकर DSW का यही होता है कि वो वन टू वन इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स ऑलवेज देयर, तो अभी कभी उन्होंने मुझे ऐसी चीजें नहीं बताई, तो उसी लेवल पे ही सॉल्व हो जानी चाहिए, अगर कोई गैप है तो आई विल लुक इनटू इट। सर तो जिस तरह अभी हमने बात की, जो आप बात कर रहे हैं, जो बच्चे बात कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि ये कमी है, आप बोल रहे हैं कि कुछ कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि बच्चे और आप में जो है कहीं तालमेल नहीं है सर इसमें? मैं तो 24 आवर अवेलेबल हूँ, मेरे पास जब भी कोई बच्चा आए डायरेक्टली बात करना चाहता है करे, कोई यहाँ पर लोग बोल रहे इतना बड़ा इशू है, आप बोल रहे हैं कि कुछ भी इशू नहीं है इसमें, बोल रहे नहीं, अब वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है हम हियर, मैंने 2 दिन पहले ही जो प्रेसिडेंट है उनको कहा था कि आप पूरी लिस्ट बना के हम बैठ जाते हैं, उसमें कोई ऐसे इशू नहीं है।